तो करते हैं वीआईपी शेयर का। शर्मिला जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं अपनी राय देने के लिए। शर्मिला बताइए, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर कौन सा है? आई एम गोइंग विद गेल टुडे। एक तो थोड़ा न्यूज फ्लो इसके आज फेवर में है कि क्योंकि जिस तरह से हमने आज सुबह पढ़ा कि फ्रीपोर्ट की जो फायर है उससे इनको 2-3 महीना एक ऐसा टेलविन जैसा मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, क्योंकि जो यूएस ने फायर थी उससे ऑलमोस्ट काफी इफेक्ट पड़ेगा ऑन गैस प्रोडक्शन। तो इट विल बी टू गेल्स सॉर्ट ऑफ एडवांटेज कि यहाँ से उनके लिए और डिमांड बढ़ेगा। उसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गेल हैज रियली बीन अ कंसिस्टेंट परफॉर्मर और नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। उसके साथ साथ एक हाइड्रोजन प्लांट भी वो लोग कमीशन करने वाले हैं और स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर आया हाल ही के दिनों में बिकॉज स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से थोड़े क्वार्टरली नंबर्स कम आए, लेकिन आगे चलते हुए जिस तरह से डिमांड है, जिस तरह से पिक्चर उभर कर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि दिस विल कंटिन्यू टू बी अ गुड परफॉर्मर और वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। सो आई हैव अ बाय रिकमेंडेशन ऑन द स्टॉक विद एन 18 मंथ होराइजन फॉर अ टारगेट ऑफ 180। ऑल राइट, थैंक यू सो मच शर्मिला समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। और इनफैक्ट सुबह इस पर गेल पर जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी, काफ़ी कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर कर आए हैं कि डिमांड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है कंपनी के लिए, आउटलुक काफ़ी अच्छा है FY23 के लिए। तो 18 महीने में शर्मिला भी 880 के लेवल्स देख रही है और आज स्टॉक भी देखे करीब 12% ऊपर कारोबार भी कर रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वक्त है ऑप्शन रणनीति बताने का। और अब मुनाफे का ऑप्शन बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बैंक से अमित भुप्तानी जुड़ चुके हैं। अमित थैंक यू सो मच समय देने के लिए। जीना स्वदेश को आपकी तरफ से ऑप्शन स्ट्रेटजी आज के लिए कौन सी होगी? गुड आफ्टरनून ऑल। हम देखे तो मार्केट में जो हिसाब से प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है, लास्ट ईयर सेशन ये पिक जो हिसाब से चालू होता दिख रहा है हमें, कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ से दिख रहा है और लास्ट 2 दिन से एक मार्केट प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। उसमें एक जो स्टॉक सिलेक्ट किया सेल साइड के लिए सिलेक्ट किया वो है आईओसी भी हम देखे तो 120 और आज के सेशन में एक ब्रेकडाउन भी आते हुए दिख रहा है। 110 का जो लेवल वो सपोर्टिव लेवल था वो ब्रेक होते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है काउंटर यहाँ से 102 से 100 के लेवल तक आने के चांसेस है आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर। सो ऑप्शन में रणनीति रहेगी 110 का पुट ऑप्शन बाई करना है 3 रुपए के आसपास, 1 रुपया स्टॉप लॉस रहेगा, 6 से 7 रुपए टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय आपको मुनाफे के ऑप्शन में दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो आईओसी का 110 का पुट ऑप्शन खरीदारी करने की राय है, 3 रुपए के ऊपर यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ टारगेट जो नज़र आ रहा है वो 6 रुपए का है। तो आज आईओसी पर आप वो नज़र रख सकते हैं।